हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्ट्रोमलैंड। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन का आज लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में भी मेंडल का ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर देख लिया है तो मैं होप करता हूं कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, एंड टेस्ट क्रॉस एक्सेट्रा जो भी मैंने उसमें डिस्कस किया था आपको वो समझ में आ गया होगा और आपको आपने वो अंडरस्टैंड भी अच्छे से कर लिया होगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार समझना है 12th क्लास में फिर से यही पढ़ना है आपको, यही मेंडल क्रॉस, यही मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़नी है और यही है, ठीक है। तो क्या करना है अभी अच्छे से समझना है ताकि वहां पर जाके ईजी हो। आज क्या पढ़ने वाले हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस पहला टॉपिक रहेगा, सेकेंड रहेगा हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड एंड लास्ट वाला रहेगा सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद स्टार्ट होगा एवोल्यूशन और हमारा जो ये वाला टॉपिक है हेरिडिटी, ये खत्म होगा, ठीक है। आपके टेक्स्ट में इतना ही दिया है, लास्ट में जाके आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ोगे डिफरेंट या थोड़ा साइज से वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब होता क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो लास्ट वाले लेक्चर में क्या हुआ था, मेंडल ने जो है हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने लिए थे मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब उन्होंने एक कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया था। मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे कैरेक्टर्स, ठीक है, डोमिनेंट कौन है, रिसेसिव कौन है। तो उन्होंने क्या किया था, सब कैरेक्टर्स को सेम रख के दो प्लांट्स को लिया था जिनमें सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट था, सपोज एक टॉल था दूसरा डेवलप था। लेकिन वहां से रिजल्ट क्या आ गए थे उसने वो नोट किए, वहां से एक लॉ आ गया था हमारा, कौन सा, डोमिनेंस वाला, ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव वाला। अब उसने क्या किया दो कैरेक्टर्स को ले लिया, ठीक है, बाकी सब कैरेक्टर्स में सेम, दो कैरेक्टर्स में डिफरेंट, ठीक है। दो कैरेक्टर वाला जो है एक प्लांट लिया, दूसरा प्लांट लिया, उनके सारे कैरेक्टर सेम है, सिर्फ वो दो कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं। फिर उनको क्रॉस किया, उनकी मेटिंग करवाई, ठीक। उसके बाद वहां से जो रिजल्ट आए उनको देखा, क्या रिजल्ट आए हम देख लें, ठीक है। यहां पर इसका मकसद क्या था, क्यों करना था उसको डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो इसका रीजन ये था कि वो ये जानना चाह रहा था क्या ये जो जीन्स है क्या ये इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं, क्या ये इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं या ये डिपेंड होते हैं, क्या ये पर्टिकुलर सेट में चले जाते हैं या ये अलग अलग जाते हैं। उनने फैक्टर्स नाम दिया था, ठीक, जिनको हम आज जीन्स बोलते हैं उनको उन्होंने दिया था नाम फैक्टर्स। क्या बोला था, फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स मेंडल ने दिया था नाम जिनको हम आज बोलते हैं जीन, ठीक है, जीन। तो बात ये थी, उनको ये देखना था क्या ये पूरा सेट चला जाता है या ये पर्टिकुलर सेट में छोटे छोटे पार्ट हुए हैं और वो छोटे छोटे पार्ट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, अगर आपको याद होगा राउंड और येलो सीड कलर, ठीक है, पॉड कलर नहीं, राउंड एंड येलो सीड कलर, ये जो है ये सीड, ठीक, सीड के बारे में बात हो रही है। राउंड सीड एंड येलो कलर ऑफ सीड कोट, ये दोनों डोमिनेंट थे, ठीक है, और रिंकलेड एंड ग्रीन कलर जो सीड कोट का था वो दोनों रिसेसिव थे। प्योर लाइन ली, प्योर लाइन क्या होता है डिस्कस किया है हमने, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का क्रॉस करवाया, क्रॉस क्या होता है मैंने कल बताया था, क्रॉस के मतलब मीटिंग होती है, यहां से पोलन लिए, इसके स्टिग्मा पे डस्ट किए, ठीक, वहां से फर्टिलाइजेशन हुई, सीड्स बन गई, यहां से ये सीड्स आ गए, सीड्स को ग्रो किया तो ये प्लांट निकल गए। ये प्लांट क्या है, आपको मैं पूछूंगा ये क्या, तो आप क्या बोलोगे, आपको ये पता होना चाहिए इसका फिनोटाइप क्या होगा, बोलो इसका फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है, सिंपल है। अगर ये डोमिनेंट है तो ये फिर भी एक्सप्रेस करेगा, ये डोमिनेंट है ये फिर भी एक्सप्रेस करेगा, तो ये फिर भी क्या होगा, राउंड येलो ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर देखा था कि पहले जनरेशन में क्या होता है, सब के सब एक ही कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, तो यहां पे क्या है ये राउंड येलो आ गया, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद क्या किया, सबके सब आ गए राउंड येलो, ठीक है। ये कौन सा राउंड येलो है, लेकिन ये जो है ये होमोजाइगस, ठीक है, होमो, और ये वाला क्या है हेट्रो, ठीक है, ये आपको पता होगा हमने डिस्कस किया है। इन्हीं दो प्लांट्स को लिया, ठीक है, और इनके गेमेट्स निकाले। अब मैं आपको बताऊंगा इनके गेमेट्स कैसे निकलेंगे, ठीक, मैं आपको बताऊंगा ये प्लांट है, मुझे बोलो इनके गेमेट्स कैसे बनाओगे आप, कितने गेमेट्स बनेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टेबल बनाता हूँ छोटा सा, आपको गेमेट्स दिखाऊंगा। तो क्या होता है, अगर हमारे पास क्या है आर आर वाई वाई, इसके गेमेट्स बनाने, कितने गेमेट बनेंगे, कैसे बनेंगे, ठीक है, क्या होगा, पहले ये जो आर है ना ये इस वाई और इस वाई के साथ जाएगा, ठीक,
समझना, यहां पे क्या निकलेगा आर वाई, वो निकलेगा सॉरी ये निकलेगा आर वाई, फिर ये आर जो है ये इसके साथ और इसके साथ जाएगा, ठीक है आर वाई आर वाई। ये जो है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है ये इस पे डिपेंड, ये आर इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ये इसके साथ चला जाएगा, नहीं ये इंडिपेंडेंटली करेगा इसके साथ असॉर्ट दूसरे कैरेक्टर के साथ, इसको इसके साथ कुछ नहीं है। ये आर और ये आर जो है आपस में काम करते हैं किस तरीके से, रिसेसिव डोमिनेंट से, लेकिन जब इनको सेपरेट होना होता है, जब गैमेट्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, तब क्या होता है ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये अलग होके ये कैरेक्टर अलग होके इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है और ये ऐसे गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये आपको बताया कभी कभी कहीं पर पूछा जाएगा कि कितने टाइप के गैमेट्स होंगे, ठीक है तो टाइप के गैमेट्स इस पर डिपेंड करता है कि रिसेसिव कितने हैं, एक रिसेसिव है दो रिसेसिव, ठीक है तो टू रेज पावर टू फोर, ठीक है फोर यहाँ पे फोर टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ये याद रखना है, आपको याद रखना है कैसे गैमेट्स निकालते हैं, रिसेसिव कितने हैं दो है, या जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कितने हैं दो है, दो है तो टू का होल स्क्वायर, टू रेज पावर टू फोर, फोर फोर टाइप के गैमेट्स आ गए। इसी तरह अगर थ्री होगा तो थ्री टू थ्री, टू रेज पावर थ्री, टू फोर टू एट, एट टाइप के गैमेट्स बनेंगे, ठीक है इसी तरह ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दो को लिया, उनके गैमेट्स ये आ गए, ये गैमेट्स यहां से लिखे, दूसरे प्लांट के गैमेट्स यही आएंगे क्योंकि सिमिलर है, ठीक है ये एफ वन जनरेशन है और ये एफ टू है, तो क्या हुआ यहां से भी गैमेट्स आ गए। उसके बाद उसने पनेट स्क्वायर को यूज करके, उसने नहीं किया, हम पनेट स्क्वायर को यूज कर रहे हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन को, पी गार्डन में पी को लगाया था, फिर बहुत सारे प्लांट्स बनाए थे, बहुत सारे प्लांट्स जो उगाए थे, सपोज आपकी टेक्स्ट में जो प्लांट्स दिए हैं आपके लिए मैं बताता हूं, ठीक है यहां पर ये जो मैंने यहां पर लिखा है, ये जो मैंने यहां पर लिखा है 9:3:3:1 आपकी टेक्स्ट ने इसको नंबर लिखा है 315, 108, 101, 32, ठीक है मतलब क्या नंबर क्या मतलब है, मतलब ये है कि उसने प्लांट्स उगाए थे उतने प्लांट्स का, फिर उसने रेशो निकाला कि क्या आ रहा है, ठीक है उसने पनेट स्क्वायर ऐसे नहीं, वो फिर उसने ड्रा किया कि क्या हो रहा है फिर ये दिखाया, ठीक लेकिन उसने प्लांट्स ग्रो किए थे गार्डन में, ठीक है सिंपल है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने ये गैमेट्स यहां से लिखे, ये गैमेट्स यहां से लिखे, उनका क्रॉस करवाया तो उसको ये कुछ रिजल्ट आ गया, ठीक है ये पनेट स्क्वायर आ गया, ठीक। अब इस पनेट स्क्वायर में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें मिलता है कि यहाँ पर राउंड जो है, राउंड येलो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था ये नाइन है, नाइन नहीं है याद रखना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नाइन है, मतलब ये है कि नाइन के रेशियो में है, किसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखेंगे राउंड ग्रीन, ठीक है राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन मतलब राउंड और ग्रीन, ये वाला राउंड और ये वाला ग्रीन आके मिल गए तो ये इस रेशियो थ्री है, ठीक विंकलेड येलो इस रेशियो थ्री है, विंकलेड ग्रीन इस रेशियो वन है, तो उसने देखा ये जो सायर है ये 9:3:3:1 के रेशियो में है, नाइन प्लांट के नहीं उगाए थे, उसने कितने प्लांट उगाए थे 315 उसको ये मिले, ठीक है ये मिले 108, ये मिले 101 और ये मिले 32, ऑलमोस्ट उसको रेशियो जो आ गया वो आ गया ये कौन 9:3:3:1 ये रेशियो आ गया उसको। तो यहां पे इसको एक और चीज देखने को मिली, उसने यहां पे ये देखा कि हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दो ही टाइप के आ गए थे, दो ही टाइप के रिजल्ट आ गए थे, क्या एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला, ठीक है बीच में कोई और रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन यहां पे क्या हुआ यहां पे उसको और दो टाइप के मिले, कौन जो बीच में है, जिसने इसका एक कैरेक्टर लिया है, इसका एक कैरेक्टर लिया है, राउंड ग्रीन आ गया, विंकल येलो आ गया। तो यहां से इसने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो जीन्स है, ये जो ट्रेड्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल बेसिस पे असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, इसका ये कंक्लूजन था। उसके बाद उसने और इस पे, इसके बेस पे दो ला दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है तो सिंपल है, यहां पे इसने ये कंक्लूजन निकाला था कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, ठीक है आपकी टेक्स्ट ने भी ये लिखा है, लास्ट वाली लाइन लिखा है ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ठीक है इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं गैमेट्स में, किसी एक को का इन्फ्लुएंस दूसरे पे नहीं होता है, ठीक है तो ये यहाँ पे जनरल फैक्ट डिस्कस हो रहे हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे वहां पे और सारे कंसेप्ट आते हैं, ब्लेंडिंग आती है, ठीक है ब्लेंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस आती है, को डोमिनेंस आती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती है, पीलियोट्रॉपी आती है, एक्स्ट्रा और सारे फैक्ट जो फिर डिस्कवर किए गए, लेकिन मेंडल की ये एक यहाँ पे आप समझ सकते हो लक था कि वहां पे इसको कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं आई, इसको सारे के सारे ठीक मिले, इसको लिंकिंग का भी कोई मसला, लिंकेज का भी कोई मसला नहीं हुआ, लिंकेज का होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहां से फिर इसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने ये कंक्लूजन निकाला जो दो सेट मैटरनल एंड पैटर्नल होते हैं, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अब वो जो है गेमेट बना रहा है, तो गेमेट उस ऑर्गेनिज्म में क्या है, उस ऑर्गेनिज्म में सेल में दो टाइप के सेट ऑफ जेनेटिक मटीरियल है, एक जो उसके पेरेंट्स पेरेंट्स मदर से आया था और जो उसके पेरेंट फादर से आया था, ठीक है। अब उसने ये बोला ये ऐसा नहीं है कि अब उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स फादर वाला एंड मदर वाला दो सेट उसके सेलों में है ना, अब वो जब गेमेट बनाएगा तो पर्टिकुलर सेट नहीं निकलेगा, सपोज जो उसकी मदर का सेट आया था वो सेट नहीं निकलेगा गेमेट में, बल्कि क्या होगा, वो सेट जो है वो डिवाइडेड है इंटू स्मॉल क्रोमोसोम्स, ठीक है, वो जो जेनेटिक मटीरियल है, वो जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है वो डिवाइडेड है किनमें, वो जो टूटा उसका जेनेटिक मटीरियल जो पैटर्नल साइड से आया या मटर्नल साइड से आया वो डिवाइड है क्रोमोसोम्स में, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड, उनको उसने फैक्टर्स बोला था, उनपे फैक्टर्स होते हैं, ठीक, वो क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, तो मिंगल होके वो डिफरेंट वे में आ जाते हैं गेमेट्स में, ठीक। इसमें आपको ये समझना था, ये इंपॉर्टेंट था, ये आपको अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, ठीक है, इतना एनफ है। रेशियो याद रखना है 9:3:3:1, ठीक। तो ये है हमारे मेंडल सर का डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये सिंपल है, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है, एक बार टेक्स्ट से पढ़ोगे आप तो और कोई पॉइंट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉक पे आ जाएगा, हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब हमने ये भी पढ़ा कि सपोज अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें टीटी है, ठीक है, वो टॉल है और टीटी वाला भी टॉल है, पर टीटी वाला डिवाइस है, ठीक। अब ट्रेट्स एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं नहीं जीन नहीं, आपको तो सिंपल तरीके से बताता हूं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम है हमारे पास, क्रोमोसोम की शेप ऐसी होती है, ठीक, मान लो ऐसे, फिर दूसरा पेयर ऐसे ऐसे होता है, एक ही साइड से होते दोनों, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम पेयर है, छोड़। तो क्रोमोसोम पे क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको मेंडल फैक्टर्स बोला है, हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है। उस जीन में क्या होता है, उस जीन में लिखा होता है कि वो कौन सा प्रोटीन जो है क्रिएट करेगा, ठीक, जीन में लिखा होता है कि वो कौन सा प्रोटीन क्रिएट करेगा, वो प्रोटीन पर्टिकुलर ट्रेट को जो है गवर्न करता है। क्या मतलब है मैं बताता हूं, सपोज यहां पे है एक जीन, ठीक, कौन सा जीन, टालनेस का जीन, ये जो जीन है ना ये यहां पे एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए जाके प्रोटीन क्रिएट करेगा, वो प्रोटीन जाके उस ऑर्गेनिज्म की हाइट को इफेक्ट करेगा, या अगर कम निकला तो कम हाइट होगी, ज्यादा निकला तो ज्यादा हाइट होगी। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझो। जो जीन होता है वो होता है क्रोमोसोम पे, ठीक है, क्रोमोसोम का स्मॉल सेगमेंट, इसको हम जीन बोलते हैं। जीन क्या काम करता है, वो खुद को एक्सप्रेस करता है एमआरएनए की शेप में, एमआरएनए की फॉर्म में, एमआरएनए जाके फिर न्यूक्लियस से निकल के राइबोसोम में जाता है और वहां से प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन जाके इफेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के उस ट्रेड को जिसको वो जीन गवर्न कर रहा है। अब अगर ऑर्गेनिज्म में कोई ऐसा, सपोज ये हम मानते हैं कि टी जो है, टी ये जो है इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रहा है, इफेक्टिवली क्रिएट कर रहा है उस एंजाइम को या उस प्रोटीन को, अब हम मान लेंगे ये जो टी है, या तो ये दो सूरत होंगी इसकी, ठीक, या तो ये कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये नील है, ठीक, कुछ नहीं निकल, कुछ नहीं कर रहा है, ये इससे कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये कोई भी प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, या ये एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तीसरा, या ये सिमिलर टाइप का प्रोटीन जितना ये कर रहा है उतना ये भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, मैं अच्छे से समझाता हूं फिर से। सपोज हमारे पास एक एलील है टी, ठीक, दूसरा एलील है टी, यहां पे आप देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हम मान सकते हैं ये जो टी है स्मॉल टी, या तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ नहीं सिक्रेट कर रहा है, ये कोई प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, एक ऑप्शन है। दूसरी, ये एबनॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, एबनॉर्मल प्रोटीन बना रहा है। थर्ड, ये इसी के जैसा, जैसा ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है ये भी वैसा ही प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वैसा वैसा, ठीक, वैसा ही प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। जब ये वाला फैक्टर आएगा, जब ये इसी के जैसा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये कौन सा टी बन जाएगा, ये इसी के जैसा टी बन जाएगा ना, तो तब हम बोलते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म आ गया इसमें टी टी आ गया, मतलब ये जो दूसरा वाला एलील है ये भी इसी के जैसा प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये दोनों सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम टी टी बोलते हैं, ये होमोजाइगस है, ठीक है।
अब दो फ्रूट से अगर इसने एबनॉर्मल प्रोटीन क्रिएट किया तो प्लांट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, और प्लांट में जो है एक टाइप की डिजीज आ जाएगी या कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर इसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया तो ये चुप करके वहां पर बैठा है तो ये एक्सप्रेस करेगा और ये ही अपना इफेक्ट दिखाएगा। यही होता है हमारे जब दो दो टी होते हैं या एक टी होता है या दो स्मॉल टी होते हैं। दो स्मॉल टी का मतलब या तो आप समझो कि प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस प्लांट को क्या रहता है, क्या होता है कि वो डिवाफ रहता है। या हम ये मान लेंगे कि एक पर्टिकुलर हाइट तक प्लांट ग्रो करता है, उसके बाद उसको वो एंजाइम चाहिए, वो प्रोटीन चाहिए। अगर उसमें दोनों स्मॉल टी आते हैं तो प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होता, वो उतना ही रहता है। लेकिन अगर उसमें एक कैपिटल टी आता है या दो कैपिटल टी आते हैं तो वो प्रोटीन प्रोड्यूस होता है और वो हाइट अटेन कर लेता है। ऐसे समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लांट को अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए वो एलील चाहिए होता है जो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। सपोज टी, अगर टी होगा तो वो उसमें प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोटीन जाके उसकी हाइट बढ़ाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो उसकी हाइट नहीं बढ़ा पाएगा। या अगर उसमें टी होगा और टी होगा, ठीक है, ये वाला टी अगर होगा तो ये कम प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और उसकी हाइट कम रहेगी। अगर ये टी होगा ये ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और उसकी हाइट ज्यादा होगी। डिफरेंट वे है इसके समझने के, जिस तरीके से आप समझते हो हर कोई वे जो है क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। हमें यह देखना है कि प्लांट की हाइट किससे बढ़ेगी, ठीक है। अगर ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा हाइट होगी, कम होगी तो कम प्रोड्यूस होगा तो कम हाइट होगी, वैसे समझना बेटर है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सॉरी, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है, ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई एम्ब्रियो, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो एम्ब्रियो बन रहा है, उसका उसका जायगोट बन गया। अब जायगोट जो है डिवाइड कर रहा है, ठीक। अब जायगोट बन गया, क्या हम बता सकते हैं कि इसका सेक्स क्या होगा, क्या ये मेल होगा क्या ये फीमेल होगा, ठीक। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, सपोज रेप्टाइल्स है, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें डिपेंड होता है टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर सपोज ज्यादा है तो वो एक जेंडर लेते हैं, सपोज अगर ज्यादा है तो फीमेल वाला लेते हैं, अगर कम है तो मेल वाला लेते हैं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म है, टर्टल्स में भी सेक्स डिटर्मिनेशन चेंज सेक्स चेंज होता रहता है। या स्नेल्स में अगर देखेंगे, स्नेल्स में क्या होता है, स्नेल्स में वो पर्टिकुलर टाइम पे अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर उनको लगेगा कि अभी मुझे फीमेल होना चाहिए तो वो फीमेल बन जाते हैं, अगर उनको लगता है अभी मेल होना चाहिए तो मेल बन जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो सेक्स है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। सपोज मैंने आपको बोला रेप्टाइल्स, टर्टल्स या स्नेल्स में क्या है, वो जेंडर चेंज कर लेते हैं ना, तो वहां पे उनका कोई जेंडर जो है, कोई सेक्स जो है डिटरमाइंड नहीं है। जेनेटिकली उनका सेक्स कोई भी डिटरमाइंड नहीं है क्योंकि वो अपने सेक्स को चेंज कर पाते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्या होता है, वहां पे सेक्स वो चेंज कर पाते हैं। लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन में आइदर यू आर मेल और यू आर फीमेल, ठीक। अब ये सेक्स जो है डिटरमाइन कैसे होता है और कब होता है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। तो थोड़ा सा रब करते हैं यहां पे समझाने के लिए। तो क्या होता है, जैसे ही हमारे, मैंने आपको बोला था कि हम में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, याद है आपको, जल्दी से कितने, यस 23 पेयर होते हैं, कितने होते हैं 23 पेयर, ठीक है। दोनों में, मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में कितने होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। 22 को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक पेयर जो रहता है पेयर, ठीक है, ये पेयर है, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि ये हमारा सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना सेक्स क्रोमोसोम, ये जो 22 क्रोमोसोम है ये सिमिलर टाइप के होते हैं, आई मीन सिमिलर टाइप के मतलब सेम टाइप के होते हैं, मेल में वही फंक्शन करते हैं, फीमेल में वही फंक्शन करते हैं। ये जो एक क्रोमोसोम है ना, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यही डिटरमाइन करता है कि क्या मेल हो क्या फीमेल हो, ठीक है। इसके इस क्रोमोसोम के दो, अगर पेयर है तो इसके दो होंगे ना क्रोमोसोम, अगर ये पेयर है एक पेयर तो इसके दो होंगे, ठीक। फीमेल में क्या होता है, फीमेल जो होती है, फीमेल में होता है ये एक्स एक्स, क्या होता है एक्स, इसको है हैंकिंग ने जो है नाम दिया था एक्स, ठीक, एक्स मतलब तब उसका नाम पता नहीं था, उसने बोला था समथिंग एक्स, कंसिडर्ड एक्स, उसके बाद उसको एक्स ही नाम रखा गया, ठीक, एक्स क्रोमोसोम। पहले उसने जब देखा था तो उसने देखा था, उसने बोला था समथिंग लाइक, उसने फिर नाम रखा था एक्स, ठीक, सपोज कहते हैं ना, सपोज एक्स, उसने एक्स नाम रखा था, ये मूव करता है यहां से। फिर हमने ये जब देखा कि ये क्रोमोसोम है, फिर हमने उसको एक्स क्रोमोसोम बोला, ठीक है। ये होता है किसमें, फीमेल में। मेल में क्या होता है,
मेल में होता है एक्स एंड वाई, ठीक, वाई स्मॉल होता है एक्स से, छोटा क्रोमोसोम होता है, ठीक है, फीमेल में होता है एक्स एक्स, मेल में होता है एक्स वाई, ये हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स में होता है, फीमेल में और मेल में, ठीक है, सिंपल है। तो क्या होता है जब ये गेमेट्स क्रिएट करते हैं और ये गेमेट्स क्रिएट करते हैं, यहां पे दोनों गेमेट्स में आता है एक्स एक्स, यहां में एक में आता है एक्स, दूसरे में आता है वाई। जब गेमेट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो हाफ सेट चला जाता है गेमेट्स में, मैंने बोला था आपको गेमेट्स में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम चला जाता है, तो इस क्रोमोसोम का एक पार चला जाएगा एक गेमेट में, एक चला जाएगा दूसरे गेमेट में, 50% में एक्स होगा, 50% में वाई होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला एक्स और ये वाला एक्स मिला तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, जायगोट का सेक्स क्या होगा, भाई जल्दी क्या होगा, जायगोट का सेक्स होगा फीमेल, क्योंकि एक्स मदर से आया और एक्स फादर से आया। लेकिन अगर ये एक्स और ये वाई मिल गया तो क्या होगा इंडिविजुअल का सेक्स, जो जायगोट होगा, जो एम्ब्रियो होगा, उसका सेक्स होगा मेल, क्योंकि उसमें वाई आगे मेल में होता है एक्स वाई। अगर मैं अब यहां पे आपसे ये पूछूं कि मुझे बोलो चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन कौन करता है, ठीक है, किसकी वजह से चाइल्ड मेल या फीमेल बन जाता है, तो यहां पे क्लियर है फीमेल जो है ये गर्ल को या फीमेल फीटस को या मेल फीटस को, दोनों को क्या देती है एक्स, दोनों को एक्स देती है। ये डिटरमाइन मेल करता है कि क्या ये एक्स दे रहा है या वाई दे रहा है, तो क्या एम्ब्रियो फीमेल होगा या मेल होगा, ये डिटरमाइन करता है मेल, ठीक है, मेल की वजह से डिटरमाइन होता है क्या जो एम्ब्रियो बन रहा है क्या वो फीमेल है क्या मेल है। तो मैं होप करता हूं समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला, सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है, ठीक है, दोनों जब गैमेट्स बनाते हैं फीमेल के दोनों गैमेट्स में आता है एक्स एक्स, मेल के दो गैमेट्स में आता है एक्स और दूसरे में आता है वाई। फिर ये डिपेंड करता है कि कौन से गेमेट कहां पे मिले, अगर एक्स एक्स मिल गया तो फीमेल फीटस होगा, अगर एक्स वाई मिल गया तो मेल फीटस होगा। हमारी सोसाइटी में एक नोशन है, एक गलत एक कंसेप्ट है कि ये जो है फीमेल डिटरमाइन करती है कि चाइल्ड जो है फीमेल है कि मेल है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि डिटरमाइन कौन करता है, मेल डिटरमाइन करता है कि क्या जो फीटस है, जो चाइल्ड है, क्या वो मेल है फीमेल है, ये आपको समझना है यहाँ पे, ये जो मैंने बता दिया, ठीक, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, सिंपल सी टर्म्स है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, सपोज कहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार दो बार आप टेक्स्ट पढ़ लोगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई मसला नहीं है, सिंपल टर्म्स है, सिंपल चीजें हैं, ठीक है, सिर्फ आपको समझने की कोशिश करनी और इंटरेस्ट क्रिएट करना है इस सब्जेक्ट में, ठीक, बाकी ये सिंपल है, सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ सिंपल है क्योंकि मुझे पता है मैंने पढ़ा है, ठीक है, टेंथ में पढ़ा है मैंने, ट्वेल्थ में पढ़ा है, तो मुझे पता है कितना सिंपल है, लेकिन जो चीज कॉम्प्लिकेट होगी मैं यही से बोलूंगा ये थोड़ा टफ है, इसको इससे ऐसे समझो, इसको ये पढ़ो, ये पढ़ो, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ सिंपल है ये, तो ये सिंपल है आपके लिए, आपको क्या करना है, टेक्स्ट पढ़नी है तो ये आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा और कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत अगर है तो आप ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक, आपके टेक्स्ट में सब दिया है ये, एक बार पढ़ोगे तो सिंपल होगा, बाकी वही है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है, बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम, ठीक, यूट्यूब पे तो है ही है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।